पे एक दफा हम साफ क्लीन करते हैं। ये संडे टू संडे हम रविवार को क्लीन करते हैं। पानी तो हर रोज भरा ही रहता है, लेकिन रविवार को खाली करके पूरा क्लीन करके थोड़ा चूना भी डालते हैं इसमें, क्योंकि कोई और जीव जंतु नहीं हो गए उसमें, इसके लिए क्लीन करके ये पूरा भर रहे हैं। ये साफ हो रहा है, देखो रोज पानी तो हम बदल ही देते हैं, लेकिन क्लीन नहीं करते। क्लीन रविवार को होता है। और ये गाय दिन में पानी पी ले, रोज हर रोज शाम को हम पानी खाली करते हैं और दोबारा भर देते हैं। और रविवार तो रविवार हम इसको पूरा क्लीन करते हैं ब्रश लगा के। क्या पूरे एक वीक में जो भी कचरा जमा हुआ हो, चिप गया हो, वो निकल जाए। और इसके ऊपर भी शेड बना के रखा है, तो धूप में पानी गर्म भी नहीं हो पावे और ऊपर से कोई कचरा भी नहीं गिरे इसमें। ये पानी ठंडा रखने के लिए ही शेड बनाया है, बाकी तो गाय खुले में रहने वाली है। देखो ये हो गया क्लीन। ये भर जाएगा, फिर ये एक एक बारी बारी सबको भर देंगे। अभी गाय बाहर से चर के आई है चारा चरके, तो सबने एक दफा तो पानी पी ही लिया है। अब तो रात को किसी को प्यास लगी तो वो पिएगी, लेकिन हम क्लीन करके अभी भर देते हैं तो सुबह तक इसको पीना है पी सके। और ये गाय को साफ पानी मिलना चाहिए, चारा मनपसंद खा सकती है, खुली रहती है इसलिए। और पानी भी उसको मनपसंद मिलता है, हम जैसे पानी क्लीन पीते हैं तो गाय को भी क्लीन पानी ही मिलना चाहिए, इसलिए क्लीनिंग ज़रूरी है। जैसे हमको शुद्ध पानी पीने से संतोष होता है, वैसे ही गाय को शुद्ध पानी मिलेगा तो वो भी तंदुरुस्त रहेगी और खुश भी रहेगी। क्योंकि तो साफ पानी नहीं, वो पानी तो वो उसको प्यास लगेगी तो जैसा भी है वो पी लेगी। प्यास लगेगी तो क्या करें, हम भी ऐसे हैं, खुले कहीं गए हैं बाहर और पानी नहीं मिले तो जैसा भी मिले हम पी लेते हैं। वैसे गाय भी अब हमने जैसा पानी भरा है वो पी लेगी, लेकिन यदि हम स्वच्छ पानी रखेंगे तो गाय को स्वच्छ पानी मिलेगा, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी और उसको संतोष भी होगा। इसमें ये दूसरी जो गाय है उसको शुद्ध और भरपेट पानी मिलेगा तो दूध में भी उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, दूध ज़्यादा देगी, थोड़ी प्यास उसकी बुझी हो या तब। और ये बच्चों पार्टी के लिए हमने अवेड़े रखे हैं, उसके नीचे रखे हैं इसके, ये भी क्लीन होगा। और ये चारे के लिए रखा है, तो बच्चा पार्टी ऊंची गमान में नहीं पहुंच पाए इसलिए उसको नीचे दे रहे हैं। जो बड़ी गाय है वो खुली होके सीधी यहाँ आएगी पानी पीने, तो ये बड़ी गाय के लिए है। तो बच्चा पट्टी के लिए है, वो ब्याने वाली गाय है उसके लिए अलग से, क्योंकि उसको बाहर नहीं निकालते, उसका बावला दूध से भरा है, दो तीन दिन में ब्याने वाली है तो उसको बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि बाहर रखे तो कोई गाय का इसके ऊपर पाँव आ जाए या बैठने में तकलीफ हो गए, तो अलग रहेगी तो उसको जगह भी पूरी मिलेगी और वो आराम से बैठ पाएगी और खाना पानी उसको अलग से दिया जाएगा। तो
वो बाहर आके पानी नहीं पीने वाले। ये हमने पानी से ये ब्रश लगा के क्लीन कर दिया है और पूरा भर दिया है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा हम चूना डाल रहे हैं। ये चूना इसका टेम्परेचर निकाल दिया है हमने, पहले बाहर मेटल के गमले में रख के पानी डाल के इसका टेम्परेचर निकाल दिया, उबाल आया जो भी था वो, फिर ठंडा हुआ उसके बाद सुखा के रखा है। तो ये अब गाय को कैल्शियम के लिए है और ये पूरा हमारा अवेड़े में कोई जीव जंतु नहीं होने देगा, इसमें डाल के रखते हैं हम। जिस दिन ये अवेड़े साफ़ करते हैं कि ब्रश लगा के, उसी दिन हम चूना डालते हैं कि रविवार तो रविवार, हफ्ते में एक ही दफ़ा। वो बच्चा पलटी में डाल के आता हूँ। चूना गाय के कैल्शियम के लिए अच्छा है। अब हमने पहले दिखाया था कि हम उसको जो दान दे रहे हैं उसमें भी हम चूना मिला रहे हैं, हर रोज 50 ग्राम एक टाइम। वैसे भी पानी में मिला रहे हैं, पानी में तो ज़्यादा कैल्शियम तो सही बात है लेकिन वो जंतु नहीं, वो इसलिए ज़्यादा इसका उपयोग है।